नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। राष्ट्रवाद यानी कि देश से बढ़कर कुछ नहीं, अग्निपथ योजना जिसे लेकर पिछले 5 दिनों से देश में कई जगहों पर जमकर विरोध के नाम पर आगजनी और हिंसा की तस्वीरें सामने आई। बिहार से लेकर यूपी तक अग्निपथ योजना के विरोध में आज भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सरकार लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है। सरकार लगातार युवाओं को ये समझाने का काम कर रही है। वहीं इसी बीच आज तीनों सेनाओं ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सेना ने इस योजना के बारे में विस्तार से एक एक बिंदु को समझाते हुए बताया। साथ ही ये कड़े शब्दों में ऐलान भी कर दिया कि अब जो लोग हिंसा प्रदर्शन में शामिल हैं उन्हें इस योजना से दूर रखा जाएगा, यानी कि जो हिंसा कर रहे हैं वो अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। साफ है, जो लोग हिंसा में शामिल हैं सेना में शामिल नहीं हो सकते। जरा पहले सुन लीजिए कि आज क्या कहा गया है। दो चीजें इसके अंदर, पहली भारतीय सेना की फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस। हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से या जो भी इधर उधर घूम रहे हैं इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। तो आपने सुना, ये स्पष्ट सेना की तरफ से किया जा चुका है कि जो लोग इस हिंसा में शामिल हैं विरोध प्रदर्शन के नाम पर वो अग्निपथ योजना का हिस्सा नहीं बन सकते। छात्रों को अगर आपत्ति है तो वो विरोध जता सकते हैं, लेकिन विरोध के नाम पर आखिर इस तरह की हिंसा क्यों? इसके पीछे बड़ी बड़ी साजिशें खुलकर सामने आ रही है। तमाम सियासी दल छात्रों को भ्रम में रख रहे हैं, छात्रों में भ्रम फैला रहे हैं और अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। बिहार के दानापुर में हिंसा हुई और इस हिंसा को फैलाने को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ कि पालीगंज से CPIML के एक विधायक है संदीप सौरभ, वो भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। संदीप सौरभ ने भीड़ को उकसाया और फिर आगजनी हो गई। इस पूरे खुलासे के बाद में पुलिस अब संदीप सौरभ पर एक्शन की तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी सरकार को घेरने की कोशिश में हैं। इस योजना पर सवाल उठाकर सरकार लगातार हमला कर रही है, सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है, कई सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ये तक कह रहे हैं कि 4 साल के बाद में अग्निवीर नक्सली बन जाएंगे, देश खून से लथपथ हो जाएगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। क्या कहा गया है सुनाते हैं आपको। 4 साल बाद इस जवान के हाथ में क्या दोगे? कौन से रास्ते पर भेजना चाहते हो? नक्सली बनाना चाहते हो? क्या करेगा वो गांव में जाकर हथियार लेकर? बताओ, आप सारे हथियार बांट दोगे, देश को कैसे संभालोगे? गलत रास्ते पर मत ले जाओ। सेना का जो स्वरूप है वो रहने दो, वही मजबूत स्वरूप है। 4 साल के लिए जो पुराना सिस्टम है वही रहने दो। आपको तो 1 रैंक 1 पेंशन तो आपने खत्म कर दी, किसी को कुछ देना नहीं चाहते, धोखा कर रहे हैं आप। इरफान अंसारी, उन्होंने कहा खून पे लथपथ हो जाएंगी ये सड़कें, खून से लथपथ हो जाएंगी। क्यों खून से लथपथ होंगी? क्यों खून से लथपथ होंगी? क्या हिंदुस्तान की आर्मी के लिए अच्छा काम करना ये खून से लथपथ होना है? ये किस प्रकार की धमकी है? अभी प्रियंका वाड्रा जी को मैं सुन रहा था तथा कथित सत्याग्रह में, और प्रियंका वाड्रा जी ने एक ही विषय रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक ही मकसद है, और मैं युवाओं से अपील करती हूं कि वो एक ही मकसद के साथ काम करें, और वो मकसद है सरकार को गिराना, सरकार को खत्म करना। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है।
तो अग्निपथ योजना के तहत जमकर विरोध तो है, लेकिन जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला बहुत तेजी से जारी है। ऐसे में आज के सवाल है, जिसने फैलाई हिंसा, क्या उन्हें आर्मी में जगह नहीं? हिंसा के पीछे साजिश, तो भड़काऊ गैंग पर क्या एक्शन लिया जाएगा? छात्रों में भ्रम फैलाकर अग्निवीर नाम पर आखिर कब तक सियासत होती रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है और इन तमाम सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ में एक बड़ा पैनल इस समय इस चर्चा में मौजूद है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विधायक संजय टाइगर जी समय हमारे साथ में मौजूद है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ जी समय हमारे साथ में मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी समय मेरे साथ में आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल यूके देवनाथ जी भी समय मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे प्रेम कुमार जी भी इस समय मेरे साथ में हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी सतीश दुआ साहब, एक बार आप जरूर हमारे दर्शकों को एक बार फिर से समझाएं कि आज जब सेना की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया कि जो हिंसा भड़काएंगे उनके लिए किसी तरह की जगह नहीं है और ये कहा गया अनुशासन भारतीय सेना की नींव है, आगजनी तोड़फोड़ के लिए इसमें कोई जगह नहीं, जो इसमें शामिल होगा वो अग्निवीर नहीं बन पाएगा सर। जी बिल्कुल ठीक। देखिए, पहले मेरे को आधा मिनट दीजिए ये बताने के लिए कि ये अग्निपथ स्कीम इसलिए लागू की गई है, इसकी क्या वजहें हैं, ये हम सब पिछले एक हफ्ते से सुन रहे हैं, इसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, सबको मालूम है। लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला, ये कम समय के यानी कि 4 साल की अवधि के सोल्जर्स को कॉम्बैट सोल्जर, इफेक्टिव सोल्जर बनाना, ये मिलिट्री लीडरशिप की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ, जब ये 4 साल बाद क्या होगा, ये दूसरा पहलू है। 4 साल बाद क्या ज्यादा जो वायलेंस जो सड़कों पे नजर आ रही है, जो लूटमार और अर्जनी नजर आ रही है, ये सब उसके ऊपर है। वो एक ऑल ऑफ नेशन अप्रोच है और सभी मंत्रालय पूरा देश मिलके उसके ऊपर लगा हुआ है और पिछले 3 दिनों में हम बहुत सारी अनाउंसमेंट सुन चुके हैं और आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, हम आने वाले दिनों में और बहुत सुनेंगे कि 4 साल बाद इन सोल्जर्स जो बाहर निकल जाए, जो 75% उनको उनको क्या होगा। तो वो इस इनसिक्योरिटी में ना रहें, ये मेरी अपील है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई, जो आपने मुद्दा भी उठाया जी, देखिए ये युवा जो हैं, चलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा कि कौन किसको क्या इंस्टिगेट कर रहा है, लेकिन ये युवा अगर सड़कों पे उतर आए हैं और लूटमार और अर्जनी कर रहे हैं, ये फौज के एस्पिरेंट्स हैं, आर्मी के कैंडिडेट्स हैं। आर्मी का सबसे बड़ा पहला कदम या पहली रिक्वायरमेंट होती है डिसिप्लिन। अगर मैं किसी रिक्रूटमेंट भर्ती का दफ्तर का इंचार्ज होऊंगा और मेरे सामने कोई ऐसे आ जाए जिनके सामने जिनके लिए प्रूफ होगा कि ये इसमें हिस्सा ले रहे थे हिंसा में, तो क्या उनको मैं लूंगा भर्ती फौज में? और ये आज बात क्लियर कर दी गई है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन एक अटूट हिस्सा है आर्मी में भर्ती होने का। ये आज के लिए नहीं है, ये मतलब चला आ रहा है, हम सबकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी और आज अगर आपके नाम पे एक ऐसा आपके नाम पे FIR है या आपके नाम पे ये हिंसा में शामिल होने का अगर आपके ऊपर आरोप है तो वो आपके आड़े आ सकता है। तो आखिरी शब्द मैं ये कहना चाहूंगा, बल्कि मैं अपील करूंगा यूथ को कि गुमराह ना हो। इतनी अच्छी स्कीमें अनाउंस की जा रही हैं, जो 4 साल में होगा वो फौज करेगी, जो बाद में होगा पूरा देश करेगा, और उसके ऊपर थोड़ा इत्मीनान रखें और इस हिंसा से प्लीज बाज आएं। बिल्कुल यूके देवनाथ जी, सतीश दुआ जी ने जिस तरह से बताया कि एक प्रोसेस होता है पुलिस वेरिफिकेशन का, लेकिन जब अग्निपथ योजना जारी हुई है, जब योजना अब हम देख रहे हैं सबके सामने है, अब एक पूरे मेन इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मेट में वो आ चुकी है, जिस तरह से विरोध नजर आता है और हमने देखा सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में अब युवा सड़कों पर है, उसमें से कुछ प्रदर्शनकारी और जो वाकई में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें शामिल होना चाहते हैं, चिन्हित कैसे करेंगे, क्या उनकी तस्वीरें जारी की जाएंगी, आखिर इस प्रोसेस को कैसे देखेंगे और इसका कितना खामियाजा इन युवाओं को जो आगे इसमें शामिल होना चाहते हैं उनको भुगतना पड़ सकता है? जी हाँ, आपने सही फरमाया है। मैं इन युवाओं से यही प्रार्थना कर सकता हूं और चाहता हूं दिल जान से कि ये अपने घर में जाकर अब तैयारी करेंगे अग्निपथ में अग्निवीर बनने की जो एग्जाम है उसके लिए। बाकी देखिए, जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो एक स्टेट मैटर है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल नहीं करती।
एक चिट्ठी जाती है फ्रॉम रिक्रूटमेंट सेंटर या फ्रॉम जो यूनिट होती है वहां से, उस स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस थाना है वहां पर एक चिट्ठी जाती है फॉर हिज वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन पुलिस करती है, स्टेट पुलिस करती है। और यह स्टेट पुलिस का काम है कि इन बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करना, और अगर उन्होंने आगजनी की है तो उसके लिए अगर उनके पास कोई एविडेंस है या प्रूफ है तो उसके हिसाब से उनको एक ऑल ओके यानी एनओसी देना या नहीं देना। जी, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का या फौज का इनकी पुलिस वेरिफिकेशन में कोई हाथ नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। अब मैं इन युवाओं को यह समझाना चाहता हूं कि फौज में चाहे हम कुछ भी सोचें, लेकिन एक बार जब कंपिटेंट ऑथोरिटी या कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म आ जाता है तो हम कमांडिंग ऑफिसर के हुक्म को फॉलो करते हैं। तो यहां पर भी कंपिटेंट ऑथोरिटी यानी भारत सरकार ने बोल दिया है कि अग्निपथ लागू होगा, तो अब इन युवाओं को और ज्यादा सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए। देखिए ये अच्छी स्कीम है, इससे युवाओं को फायदा होगा, और अगर इसके चलते आस्ते आस्ते, मैं फौज में 34 साल था, अगर कोई इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव या ह्यूमन एचआर पॉइंट से कोई खामियां निकलेगी तो भारत सरकार डेमोक्रेट के लिए इलेक्टेड सरकार है जी। इन बच्चों की भावना का आदर किया जाएगा और सिस्टम में अगर कोई छोटी छोटी कमजोरियां हैं अगले 4 साल में इन छोटी छोटी कमजोरियों को जो युवाओं को अगर इस, या तो आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये पूरी योजना है उसे पोर्ट्रेट तो करते हुए बताया जा रहा है कि कितना बेनिफिट होगा आगे आने वाले वक्त में, भारतीय सेना किस तरह से और भी ज्यादा यंग ब्रिगेड के साथ में तैयार होगी, जो भारत के युवा हैं उनके लिए किस तरह के ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि या तो एक मैसेज क्लियर नहीं है या तो इंटरप्रिटेशन जो है वो क्लियर नहीं है। आखिर क्यों युवा इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं, उन्हें इसमें खामी कहां पर नजर आती है? देखिए युवाओं को ये भय तो है, और इसमें शायद मैं थोड़ा सा उनके साथ खड़ा हूं कि 4 साल के बाद जब उन्हें फौज से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा, उनका क्या भविष्य होगा। लेकिन भारत सरकार पूरी तरह से इस कोशिश में लगी हुई है कि 4 साल के बाद जब ये डिस्चार्ज हो तो इनको इज्जत के साथ भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार के जो पीएसयू पीएसई हैं वहां पे अब्सॉर्ब किया जाए। ऑलरेडी हमारे होम मिनिस्टर जी ने अनाउंस कर दिया है कि 10% वैकेंसीज पैरामिलिट्रीज में, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी है, इनमें इन बच्चों के लिए वैकेंसी रखी जाएंगी। और मैं खूब श्योर हूं कि इसका जो गैजेट नोटिफिकेशन है, देखिए ये जरा समझने वाली बात है, महज कह देने में और उसका ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन में थोड़ी गैप रहती है। मैं खुद एडमिनिस्ट्रेटर था और चाहता हूं कि भारत सरकार एक गैजेट नोटिफिकेशन इश्यू करे ताकि वह सब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मान्य हो और वह जो पीएसयू एंड पीएससीज हैं उनको भी मान्य हो। कुछ कुछ रिजर्वेशन मैं बताता हूँ, काफी स्टेट गवर्नमेंट पहले भी 3% 5% रिजर्वेशन का प्रावधान था, लेकिन ऑन ग्राउंड कभी भी एक्स सर्विसमैन को वो 3% या 5% वैकेंसी फिल करने का मौका नहीं दिया गया। एक और चीज है, देखिए ये जो भारत सरकार ने बहुत अच्छी पहल ली है और अगले 4 साल में इस पहल को बहुत मजबूत किया जाएगा कि इन सब बच्चों को इस 4 साल में एक तरह का डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन या आईटीआई का सर्टिफिकेट दें। ये इन बच्चों को मदद करेगी कि जब ये 4 साल के बाद सिविल में जाएं तो इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, यानी कि इस चीज को समझना होगा कि आने वाले वक्त में जो इस योजना का हिस्सा बनते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद में उनके रास्ते बंद हो जाएंगे। ये सेना की तरफ से कहा गया है कि 25% उन्हीं अग्निवीरों में से एक कोटा होगा जिन्हें उन्हें स्थायी नौकरी दी जाएगी, और अन्य अलग अलग पीएसयूज या फिर अलग अलग विभागों की तरफ से भी जो नौकरियां मिलेंगी उसमें 10% इनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन संजय टाइगर जो कि बीजेपी विधायक है, संजय
जावड़ेकर जी, लगातार विपक्ष इस बात को लेकर आवाज भी उठा रहा है कि ये जो योजना है अग्निपथ योजना, ये एक तो जो सरकार में या फिर जो सेना में जाना चाहते हैं उनकी पेंशन की कटौती के लिए सरकार का एक दूसरी तरह से प्लान बी है, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता तो ये पूरी योजना कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद में नक्सली तैयार करेंगे, कई तरह के राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं। एक धड़ा ये भी कह रहा है कि अब अगर ये पूरी तरह से इसे लागू कर दिया जाएगा, यानी कि विरोध का, आंदोलन का जो गुंजाइश है अपनी बताने की, नाराजगी जताने की, वो सारे रास्ते सरकार ने बंद कर दिए। देखिए, सेना के नजरिए से युवा सैन्य बल वाली यह योजना जी सोच समझ कर तैयार की गई है और कई दुनिया के देश है, इजराइल, जर्मनी, चीन, फ्रांस, यूके, इन तमाम मॉडलों को परखा गया है और भारतीय सेना की जरूरतों के अनुसार इसको विकसित किया गया है। जी। सारे पैनलिस्ट इसकी खूबियों को बता रहे थे, लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, राजनीतिक मुकाबले में पिछड़ जा रहे हैं, राजनीतिक स्पर्धा में दूर दूर तक टिक नहीं पा रहे हैं। ये छात्रों नौजवानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और ये तोड़ फोड़ हिंसा और अगजनी हुई है, इसमें जो अदृश्य शक्तियां हैं उनकी पहचान हो रही है। ये लोग हवा दे रहे हैं, कोई खून से लथपथ कर रहा है, कोई कह रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये नौजवानों को, छात्रों को अवसर है कि वो प्रशिक्षण भी लें और 4 वर्ष। संजय टाइगर जी, लेकिन अगर ऐसे युवाओं को जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन या उन पर एक तरह से रोक लगाई जाएगी, क्या तरीका होगा, क्या प्रदेश सरकार उनकी तस्वीरें साझा करेंगी? मेरा सवाल प्लीज सुनिएगा, क्या उनकी तस्वीरें साझा करेंगी और उन्हें भड़काने वालों के खिलाफ भी क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। सेना तो छोड़ दीजिए, अगर बिहार पुलिस में भी बहाली होती है, बीएमपी में बहाली होती है जी, तो उनका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, और उनके चरित्र के बारे में सत्यता की जांच की जाती है जी। तो अगर आप तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, हिंसा करेंगे तो स्वाभाविक है आप पर FIR होगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, तो आपका सीआर खराब होगा, तो आपके भविष्य के लिए बाधक बनेगा। सिर्फ सेना में बहाली के लिए नहीं, बाकी नौकरियों में भी ये मांगा जाता है। हाँ। तो आपका अपना आचरण ठीक नहीं रहेगा, तो भविष्य के लिए खराब संकेत है। और ये जो लोग हवा दे रहे हैं, लेकिन संजय जी ये भी कहा जा रहा है कि विरोध स्वरूप अपनी बात कैसे पहुंचाएं, विरोध स्वरूप बात कैसे पहुंचाएं, ऐसे कई शिक्षक संगठन हैं जो बरसों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे नहीं मानी गई, छात्रों ने ये भी कहा, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि विरोध और विद्रोह में बहुत अंतर है। प्रेम कुमार जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो अन्य देश है जहां पर इस तरह का TOD टूर ऑफ ड्यूटी लागू है या फिर इसी तरह की मिली जुली जो स्कीम है अन्य देशों में भी, और उनको बहुत अच्छे से समझते हुए किया गया, 1989 से इसको लेकर प्रपोजल था, चर्चा की गई, लेकिन अन्य सरकारों ने इस तरह के रिफॉर्मेशन को लेकर कभी नहीं सोचा। सेना विश्लेषण भी करती है, उसको अमल भी करती है और सरकार उस पर फैसला लेती है। सेना की एक रिक्वायरमेंट रही कि हमारे सेना को थोड़ा युवा बनाया जाए, तो आज हमारी अगर एवरेज एज 32 साल है जी, तो उसको तुरंत 24 कर देना बुद्धिमत्ता है कि उसको 29 करना चाहिए, 28 करना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से अगर चला जाता तो वो काम होता दिख रहा है। आप अमेरिका में 29 का एवरेज एज है, आप 24-25 पर ले जाना चाहते हैं 32 से, तो ये इम्प्रैक्टिकल बात जो है बहुत, वो भी तुरंत में आज के ही नौजवानों की कीमत पर करना चाहते हैं, ये एक बात है। दूसरी बात है कि हमारे सैनिक अधिकारी जो भी बोल रहे हैं वो बुक में जो लिखा है, जो डिसिप्लिन होता है, जो आइडियल होता है, उसी को बयां कर रहे हैं जी। तो वो बयां कर रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल, लेकिन हमारी सरकार ये जब हम नौजवानों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो हिंसा में जिम्मेदार हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये कल तक तो हिंसा नहीं कर रहे थे, आज वो कर रहे हैं, इनको इस ये हिंसा ना हो, ये हिंसा रुके, इसके लिए क्या किया गया? पहला कदम बातचीत होता है, बातचीत क्या सरकार ने की? नहीं की। 20 से ज्यादा स्टेट्स में हिंसा फैल गई है,
मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की नहीं की गई, गृह मंत्रालय सोया हुआ है, प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, और सेना के अधिकारी को प्रेस के सामने डील करने के लिए भेजा जा रहा है। सेना की साख के पीछे सरकार अपनी आप को बचाने की कोशिश कर रही है, ये गलत है, क्योंकि ये नौजवान यूं ही सड़क पर नहीं उतरे हैं। चार साल का जो आप पैटर्न आप ख्वाब दिखा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अब तक जो लिखा हुआ है ब्रोशर में इसको देखें, उसमें जो घोषणा की गई थी कि अगर चार साल के दौरान कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको 44 लाख दिए जाएंगे, आज हमारी घोषणा हुई है रक्षा मंत्रालय की ओर से, सैन्य अधिकारी घोषणा कर रहे हैं, कह रहे 1 करोड़ देंगे। तो हम यहाँ थोड़ा सा और बोलना चाहते हैं नैना जी, ये जब आंदोलन में है आंदोलनकारी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं चलो 10% रिजर्वेशन दे दिया असम राइफल्स में, आप कह रहे हैं चलो 10% दे दिया CAPF में, आप कह रहे हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने भी अपने पुलिस फोर्स में दे दिया, आप हिंसा को भड़का रहे हैं, युवकों को बता रहे हैं कि और आग लगाओ ताकि ये और रिजर्वेशन देंगे, ये और सुविधाएं देंगे, ये युवकों को उकसाने का काम सरकार कर रही है। अरे बातचीत कीजिए, सारे पक्ष को एक साथ एकोमोडेट कीजिए और एक बृहत्तर प्लान लेकर आइए। आप रोज हिंसा भड़का रहे हैं, नौजवानों को जिम्मेदार मत ठहराइए, जिम्मेदार वो है जो कह रहे कि 10% और रिजर्वेशन लो। ठीक है अवधेश जी रिजर्वेशन का सिर्फ झुंझुना देने भर की बात है, लेकिन ये और भी ज्यादा भड़काने की बात कही जा रही है, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, और एक बार बात तो करते, एक बार चर्चा तो करते, शायद वो एक कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। देखिए प्रेम जी की बात का पहला उत्तर तो यही है कि पूरे इनके प्रवचन में हिंसा करने वालों के विरुद्ध एक शब्द नहीं निकला है अभी तक जो कुछ इन्होंने कहा, और ये मैंने सुना है तभी जवाब दूंगा मैं आपको, मैं सुना हूं, और ये बता रहे हैं कि अब सरकार कुछ दे रही है तो और भड़का रही है। देखिए अभी तक हम लोगों ने, मैं प्रेम कुमार के बात पर अभी नहीं आऊंगा, जो भी हमारे सेना प्रमुख बाकी ने किया है, जो आपके प्रश्न है ये तथ्य और तर्क पर प्रश्न है, बिल्कुल, जो 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 अग्निवीर की घोषणाएं हैं उनके फैक्ट्स क्या हैं, उनके आगे पीछे के तर्क क्या है, उसमें क्वेश्चन क्या उठा रहे हैं, उनके हम बात कर रहे हैं। क्या हम मानते हैं कि ये जो आगजनी हो रही है वो फैक्ट्स और तर्क को समझ के और समझने के लिए हो रही है? हम ये मान के चल रहे हैं अभी तक भाजपा के भी विधायक है, मुझे आश्चर्य हुआ कि वो बैठे वो भी कह रहे हैं कि लगता है जैसे बिहार का या उत्तर प्रदेश का नौजवान जो सेना की नौकरी जुड़ा वो उठ के आग लगाने लगा है। अरे उनके चेहरे तो देखिए, आग लगाने वाले को जो चेहरे ढके हुए हैं, कपड़े से जिस प्रोफेशनल तरीके से, मैं कह रहा हूं मैंने देखा जिस ध्यान से, हम लोग भी छात्र जीवन में रहे, थोड़े बहुत हल्का फुल्का आगजनी हम लोग भी कर लेते थे आंदोलन में, लेकिन कभी ऐसा ना हुआ कि इस ढंग से प्लानिंग से जला दे कि पूरा का पूरा ट्रेन और बस दू करके जल जाए। ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, ऐसे लगता है जैसे आग लगाने का कोई विशेषज्ञ हो कि वो एकदम उस ढंग से पेट्रोल डाल रहा है, ऐसे कोने से आग लगा रहा है कि पूरा का पूरा ढल जाए। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था बिहार में तारेगना स्टेशन में एक बार भीड़ आती है, और पहले वो उसकी तस्वीर एक अखबार में और वीडियो भी चलाई जा रही है, वो वहां का जो स्टेशन मास्टर उसके कैबिन को ऐसे आग लगाती है कि 15 मिनट के अंदर चारों तरफ से वो जलने लगता है, विद इन 15 मिनट वो जलने लगता है। पुलिस जब रोकने आती है पुलिस पर गोलियां चलती है, अखबारों ने लिखा है कि 15 राउंड गोलियां वहां से चली है। तो ये 15 राउंड गोलियां चलाने वाले क्या उसको आप कहते हैं कि छात्र और युवा है? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आंदोलन और विरोध करने वाले बाकी वो सेना में जाने के वाले की चिंता में जा रहे हैं तो हमारी भूल होगी, हम देख करके भी सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। मैं पहले एक फैक्ट बता दूं, अगर सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में हो रही है इसका मतलब क्या ये है कि बिहार से भारी संख्या में सैनिक में लोग रिक्रूट होने जा रहे हैं? आंकड़ा यह बताता है कि औसत प्रतिवर्ष बिहार में केवल 2500 यानी 2500 के करीब ही छात्र और नौजवान जाते हैं सेना में, तो इतने लोग आग उतर के जैसे सारे को सेना में ही जाना है। देखिए समझने की जरूरत है, इस समय 25% है, सुनिए ना, अरे भैया जरा बात तो कर ले, आप तो प्रेम जी, आपका प्रेम जो है ये कैसे हिंसक के प्रति उभरा है, थोड़े उनके प्रति नफरत भी दिखा दीजिए, थोड़ा हम लोग जो बोलते हैं हमारे प्रति प्रेम भी दिखा दीजिए, केवल नाम के विपरीत आपके आचरण होने लगते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, इस देश में एक अजीब किस्म की प्रवृत्ति बनी है, एक वर्ग है जो बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत में भी है और दुनिया में भी है, कोई भी योजना नरेंद्र मोदी की सरकार की निकलती है तो उसमें थोड़ी कमी है ज्यादा उस पर बात ही नहीं करता है।
अब जैसे सीएए कानून आया, तो सीएए कानून मैं आपको बता दूं कि हम लोग 2010 से एक प्रयास कर रहे थे, जब अफगानिस्तान और उससे भी पहले से, लेकिन 2010 से ऑर्गेनाइज प्रयास करने लगे भाई, तो मारे जा रहे हैं लोग उनको 1947 में जैसे आपने शरण दिया था उसके आधार पर मिले। सुनिए, और उसमें किसी को बातें नहीं करती थी। अरे अरे ये कानून, ये तो सारे मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगी, और ऐसा प्रचार हो गया और कितनी हिंसा हुई आपको ध्यान में है, उसमें मुसलमानों की नागरिकता तो नहीं जानी थी। कृषि कानून आया, अब कृषि कानून में कुछ कमी कुछ हो सकती है, उस पर बात हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, तो पूरा किसान, आपको ऐसा लगता है कि जो किसान आंदोलन के बाद में जो एक अलग आंदोलन की तस्वीर नजर आई देश में है, वही आप बोल रहे हैं। 2019 से पहली हिंसा शुरू हुई थी, सुनिए, जामिया मिल्लिया में उस समय से पैटर्न चला है इस देश में कि हिंसा करके विरोध करके और किसी चीज को मानने का नहीं है, और ऐसे तत्व हैं। प्रेम कुमार जी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जी जी प्रेम जी, मैं थोड़े पहले हिंसा पर बोल लेना चाहता हूँ। जी जी, देखिए, नहीं पहले क्यों नहीं बोला आपने? नहीं नहीं, आप बोलने से, देखिए नैना जी, ऐसा है ये तो फिर न्याय नहीं हुआ। शुरुआती वक्तव्य में तो इन्होंने कह दिया कि सरकार जो 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 उनको रियायत दे रही है उससे भी हिंसा बढ़ रही है, मतलब हर कुछ हिंसा के लिए, तो इसलिए अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? ये जो पिछले जुम्मे को हिंसा हो गई उसका भी आप सपोर्ट करेंगे? जो ये हिंसा हुई है आप जानिए ये भी जुम्मे का ही दिन था, तो क्यों नहीं आप सोचते हैं कि सबका एक एक्सटेंशन है, 2024 का चुनाव है, उसके पहले दुनिया में एक मैसेज देना है कि ये सरकार फेल है, चारों तरफ से हाहाकार, अराजकता, हिंसा हो रही है, और देश को हिंसा और अराजकता की आग में झोंकने वाले तत्व है। ठीक है सर, प्रेम जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं। जी बहुत जरूरी आंसर है नैना जी, जी कि हिंसा, आप हमसे पूछे कि आप इस आगजनी का समर्थन करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि चलिए मैंने कहा मैं करता हूँ, मेरी जगह कहाँ होगी? जेल में होगी। और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि यह गलत है, तो कौन जेल में होंगे? जो ये काम कर रहे हैं वो लोग जेल में होंगे। ये इतना आप तो इसके तो समर्थन में है ना कि जो आगजनी जो है, जो आगजनी हो रही है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुझे कंप्लीट होने बोलने दीजिए, मैं आपके पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन इतना सेफ होता है सरकार के लिए कि ये हिंसा क्यों होने दी गई, क्यों होने दी जा रही है, रोकने के लिए क्या प्रयास किए, ये तमाम सवाल ढक जाते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। आप हमसे पूछिए इसमें पैनल में कौन बोलेगा कि हिंसा जायज है? सब कहेंगे हिंसा गलत है, लेकिन वो सवाल को छुप जाता है, ये हिंसा, इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने क्या बातचीत की, किससे बातचीत की, प्रदेशों से बातचीत की, किससे बात करेंगे, दलों से बात? नहीं, जो लोग गोलियां चला रहे हैं, जो ट्रेन चला रहे हैं, आपको पता है बीजेपी के तीन तीन ऑफिस चला दिए गए जिलों में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर हमले हो रहे हैं, क्या इनसे बातचीत की जाएगी? देखिए, बातचीत आंदोलनकारी से होता है, बातचीत अराजक, उपद्रवी और हिंसक तत्व से नहीं होता है। बाकी सरकार, बिहार सरकार की जिम्मेवारी थी, बिहार सरकार की फेलियर है। ठीक है, देखिए, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन आंदोलन का एक स्वरूप जरूर होता है, नौजवानों का आंदोलन है। जी लेकिन 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 आंदोलन के नाम पर काम देख रहा था, सारे बाइट्स जो है वो आ रहे थे आरजेडी के, कांग्रेस के नेताओं के, और प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, मैं बाकी गेस्ट का रुख करूं, लेकिन मैं आपसे जरूर एक संक्षेप में ये जानना चाहूंगी। आप कह रहे हैं बात करनी चाहिए, बात किससे हो? क्या इनका कोई इस आंदोलन का कोई चेहरा है? क्या कोई एक लीडर है जिनके नेतृत्व में इस तरह के प्रदर्शन है? क्या विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई पैनल है जो जाके सरकार से बात करे, या फिर ऐसी कोई मध्यस्थता करे जो इन छात्रों के और सरकार या फिर सेना के बीच में हो? ऐसा कोई आपको नजर आता है? कोई चेहरा कोई नजर आता है? कोई नुमाइंदा नजर आता है? देखिए नैना जी, बातचीत करने से पहले ये प्रश्न आ गया, अरे आप कहिए कि हम बातचीत करना चाहते हैं, इतना तो बोलिए। देखिए, हर शहर से राजनाथ सिंह ने घोषणा की और एक घंटे के अंदर विरोध शुरू हो गया, एक घंटे में, एक घंटे में उसके पूरे फैक्ट्स विरोध करने वालों के पास पहुंच गया। देखिए,
इसमें कुछ छात्र भी हैं, ऐसा नहीं कि छात्र नहीं है, लेकिन ये पूरा आंदोलन कतई छात्रों और नौजवानों का नहीं है, ये उन ताकतों का है जो 3 वर्षों से इस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का विरोध करो राजनीतिक रूप से, लेकिन जो भी योजना बनती है वो बिल्कुल गलत है, वो देश के विरुद्ध है और पूरी दुनिया में प्रचारित करके और लोगों को आग लगा देना। संजय टाइगर, संजय टाइगर, तो यही मध्यस्थता की बात है। आखिर क्या इन युवाओं को, क्योंकि युवा भी भारत के नागरिक हैं, वो अगर आने वाले वक्त में इस स्कीम का, जिनके लिए स्कीम तैयार की गई, उन्हें कुछ आपत्ति है तो उनकी बात सुनने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है? देखिए, स्कीम के बारे में जो भ्रम फैलाया गया था, उन सारे भ्रमों को सेना के अफसरों ने और सरकार की ओर से स्पष्ट कर दी गई है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। ये ना समझ लोग नहीं है, ये समझ कर नहीं समझना चाहते हैं। और छात्रों नौजवानों की आड़ में जो पीछे से शक्तियां हैं, जो विरोधी दल के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व है, देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। और देश जी ठीक बता रहे थे, सीए के समय क्या हुआ, किसान आंदोलन में पीछे से कौन था, ये इनका नकाब उतरने वाला। नहीं तो लेकिन संजय जी, संजय जी, क्या क्या मध्यस्थता के लिए सरकार की तरफ से पहल की जाएगी, जिनके लिए ये योजना, अगर उन्हें आपत्ति है तो, अगर उनकी आपत्ति कुछ है तो उनकी आपत्ति को, उनकी शिकायत को सुनना क्या कोई एक जरिया होगा, क्या इस पर कोई विचार करेगी सरकार? नहीं, किसकी की, कौन कौन है उनका नेता, कौन है, कौन बातचीत करेगा, कौन प्रस्ताव लेकर आया है? जो जो भी कंफ्यूजन था, हाँ, जो आशंकाएं थी, सबको दूर कर दिया गया है। हाँ, और ये विरोधी दल के लोग हवा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और मैं तो कहूँ, अगर इस ढंग से हिंसा होगी, गोलियां चलेंगी और उनके साथ हम बात करने का प्रस्ताव करते हैं तो देश में खतरनाक बीजेपी की सरकार रहते गुजरात जिले में हिंसा हुई, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, तो हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, वो कुछ नहीं करेंगे। ये हमें जिला दो तीन लोग पकड़े हुए हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है। जितना ही आप इस ढंग से हौसला बढ़ाएंगे, हिंसक और आदत और उपद्रव, आपके अनुसार किस तरह का एक्शन होना चाहिए? देखिए, इसमें एक्शन ये तो बिहार सरकार के जैसे यूपी में एक्शन हुआ, एक्शन यही है। पहला एक्शन तो है कि इनके इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो, ठीक से वहाँ के वहाँ वहाँ मीटिंग अभी तक मुख्यमंत्री ने नहीं लिया, सारे पुलिस वालों को पहचान के। लेकिन जो अंत, जो मूल एक्शन इसमें चाहिए, जितनी एक लंबी प्रवृत्ति हमने देखी, इसलिए सेंटर गवर्नमेंट को बैठ करके कि आखिर इसके कारण क्या है, कारण को समझना चाहिए, बनानी पड़ेगी कि आगे ऐसा होगा तो। ठीक है अवधेश, ठीक है प्रेम जी, मैं आपका भी रुक करती हूँ, लेकिन सतीश द्वाजी, सेना ने कहा कि जोश प्लस होश बनाने के लिए इस तरह का रिफॉर्मेशन जरूरी है, लेकिन जोश और होश आपको ऐसा लगता है कहीं और सड़कों पर नजर आ रहा है, और ये जोश में जो होश खोते हुए युवा नजर आते हैं, ये अपने आप में आने वाले वक्त में उनकी नाराजगी है। और दूसरा सवाल इसी के साथ में, ये जो लगातार युवकों की तरफ से जो सरकारी नौकरी की का सपना देख रहे हैं, और खासतौर से अगर हम बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहां से आधे से ज्यादा युवा जो सेना का सपना लेकर ही आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है आप जिस गांव में जाएंगे वहां पर हर दूसरा लड़का जो है वो आपको सड़कों पर दौड़ता हुआ या फिर अपनी इस पूरी सेना या भर्ती के लिए पुलिस की तैयारी में नजर आता है, उनके लिए ये वाला जो पूरा एक तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन है, वो ऐसे जो वाकई में काबिल है उनके लिए कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाते हैं। देखिए, आपका दूसरा सवाल मैं पहले लेता हूं जी। ये एक वॉलंटरी आर्मी है, सिर्फ आर्मी के टर्म्स ऑफ कंडीशन बदले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, समय की मांग है कि हमारे को एक यूथफुल प्रोफाइल वाली आर्मी चाहिए, ज्यादा टेक्नोसेवी आर्मी चाहिए, और अगर उससे पेंशन और सैलरी का बजट घटता है तो अच्छी बात है, ताकि मॉडर्नाइजेशन में पैसा आ सके। जो टर्म्स ऑफ कंडीशन बदली जा रही है वो इसलिए बदली जा रही है, वॉलंटरी आर्मी है, जो आना चाहे आए और जो ना आना चाहे ना आए। लेकिन आपका कहना ठीक है कि सब देहात में जितने जिन युवा हैं जिनकी एस्पिरेशंस होती हैं कि वो फौज में जाएं, मैं एक बात कहना चाहूंगा जो अभी पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि इसके बाद इनका क्या होगा जो 75% बाहर आएंगे। देखिए, जिस तरीके से आज स्कीमें अनाउंस की जा रही हैं, मुझे आशंका है कि बाद में जाकर ऐसा होगा कि सब लोग बाहर ही आना, ज्यादा लोग बाहर ही आना चाहेंगे। मैं आपको एक आधे मिनट में एक्सप्लेन करता हूं जी।
जो एक जो 25% जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो कैरियर सोल्जर बनेंगे, जो आज भी होते हैं, जो कैरियर सोल्जर बन के अगर पूरी अपनी सर्विस करता भी जाएगा, पूरी सर्विस करेगा तो 35 या 37 साल की उम्र में बाहर जाएगा पेंशन के साथ, जैसे आज एक जवान जाता है। अगर आज एक जवान 35-37 साल में जाता है तो वो ना यंग है कि इतना यंग है कि उसको काम मिले, पेंशन जरूर मिलती है लेकिन पेंशन इतनी नहीं है जिससे गुजर हो जाए, तो फिर वो एटीएम गार्ड और ऐसे छोटे छोटे सिक्योरिटी वॉचमैन वाले काम कई बार लेने पड़ते हैं उसको, अगर अगर उसको नौकरी चाहिए। और दूसरी तरफ ये जो युवा जाएंगे बाहर, जो आरक्षण हम सुन रहे हैं और भी आएंगे, ये सब 58 या 60 ईयर्स की उम्र तक वाले नौकरियों में जाएंगे जिसमें इनको पेंशन मिलेगी बकायदा लंबी पेंशन। तो मेरा कहने का मतलब है आज हम इसके ऊपर रोष देख रहे हैं लेकिन आने वाले समय में ये एक ज्यादा अच्छी ऑप्शन होगी। और आखिरी आपका जो पहला सवाल था, जोश हमें चाहिए, जोश के बिना फौज नहीं चलती लेकिन जोश होश के साथ चाहिए। जो आज हम देख रहे हैं सड़कों पे ये तो जोश दिखा रहे हैं अपना होश खोकर, और उसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि इसमें एक प्रोसेस है, पुलिस वेरिफिकेशन होगी और जो इसमें वो तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं या सॉरी रोष दिखा रहे हैं कि वो फौज में आना चाहते हैं लेकिन अपने खुद पैर काट रहे हैं कि वो फौज में आने के लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल, और बार बार टाइम्स ऑन अब भारत भी, और इवन मैं भी अपने दर्शकों से यही अपील करती हूँ जो विरोध कर रहे हैं, देखिए आंदोलन भारत की नींव, भारत की पहचान या फिर एक जो शुरुआत है वो कई आंदोलनों के साथ में हुई, लेकिन आंदोलन का एक स्वरूप है, विरोध का एक स्वरूप है, विद्रोह का एक स्वरूप नहीं हो सकता। इसीलिए अपना आंदोलन या फिर विरोध दर्ज कराते हैं उसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी लगातार हम तस्वीरें देखते हैं, देवनाथ जी आपने नेशन के लिए एक लंबा वक्त दिया है, भारतीय सुरक्षा के लिहाज से एक लंबा वक्त दिया है अपनी सर्विस में, मैं चाहूंगी जरा आप हमारे दर्शकों को समझाइए, अगर ये 4 साल वाला पैटर्न लागू हो गया या फिर अब जो हो ही रहा है, इसका इम्पैक्ट सेना पर किस तरह से पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में हो या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट में भी, जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिहाज से। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, इस नए जो स्कीम है इसमें सेना पर सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कुछ बच्चे 4 साल तक सर्विस करने के बाद 75% बच्चे बाहर चले जाएंगे तो एक यूथफुल प्रोफाइल बनी रहेगी। हाँ, हमें एक्सपीरियंस लोगों की भी जरूरत है, उसके लिए 25% बच्चे जो कि अपने को अव्वल दर्जे का साबित करेंगे उन्हें रिटेन किया जा रहा है, यानी वो उसके बाद अगले 15 साल तक सर्विस देंगे, देश की सेवा में कार्यरत रहेंगे, तो हमें एक एक्सपीरियंस लोगों का भी पूल आस्ते आस्ते मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर भी था तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार को कुछ छोटी छोटी बिंदुओं से अवगत कराना चाहता हूं। देखिए, आज पता लगा जब 3:30 बजे ब्रीफिंग हो रही थी कि इन जवानों को, अग्निवीरों को साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो जबकि आमतौर पे जो जवान आज की तारीख में ज्वाइन कर चुके हैं उनको साल में 60 दिन की छुट्टी मिल रही है। तो देखिए, जनरल साहब भी मेरे साथ थे, मैं जो जवान समझिए या कोई यूनिट अगर सियाचिन में या हार्ड एरिया में डिप्लॉयड है, उसके कमांडिंग ऑफिसर का, उसके जो कंपनी कमांडर है, उनकी कितनी दुविधा होगी कि उनके आधे बच्चे तो साल में 60 दिन की छुट्टी जाएंगे और आधे अग्निवीर साल में 30 दिन की छुट्टी जाएंगे। दूसरी चीज एक और मैं बताता हूं, मेरे 34 साल की उम्र में हम लोग भी पहले से ही, इसका प्रावधान पहले भी था कि एयरफोर्स से जब हमारे शूरवीर रिटायर होते थे तो हम उनको एक सर्टिफिकेट देते थे एक्सपीरियंस का, अगर वो टेक्निकल ट्रेड पे था तो उसको टेक्निकल ट्रेड का एक्सपीरियंस देते थे। भारत सरकार की एक चिट्ठी बोली जाती थी कि यह सर्टिफिकेट जो हम वायुसेना से दे रहे हैं वो ITI डिप्लोमा के बराबर मानी जाएगी, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मेरे 34 साल के सर्विस में मैंने सैकड़ों ऐसे केस देखे कि जब वो 35 साल का 37 साल का युवा जब बाहर गया, उसने स्टेट गवर्नमेंट को या PSU PSC में अपना ये सर्टिफिकेट दिखाया तो उन्होंने उसको कोई मान्यता नहीं दी। तो मेरी भारत सरकार से एक दरख्वास्त है कि ये जो स्कीम है ये बहुत सक्सेसफुल होगी, सिर्फ भारत सरकार,
अपने जो पीएसयू हैं, पीएससी हैं और स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये बोले कि अब जब ये बच्चे ग्रेजुएशन का, डिप्लोमा का या आईटीआई का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो सारी सरकारें उसको इज्जत के साथ मान्यता दें। और मुझे लगता है कि आपने इतने अच्छे से जी कई जगह स्वीकार हुआ भी है, ये बात ठीक है, डिफरेंसेस है। हाँ। उत्तर प्रदेश में ही अनेक लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो उसी सर्टिफिकेट के आधार पर। मैं एक दो बात कहूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप, मैं सीधा सवाल है कि दसवीं के बाद बारहवीं करने में 2 साल लगते हैं, बिल्कुल 2 साल लगते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि बारहवीं करते हुए लोग पैर भी करने आते हैं कि हमारे बच्चे का बीबीए में करा दिए, कोई जाता है इंजीनियरिंग में करा दिए, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। आपको 4 साल के लिए बुलाया गया है, आपको वेतन मिल रहा है, आपको रिटायरमेंट तो नहीं, आपको पैसा मिल रहा है और बारहवीं की डिग्री मिल जा रही है। दूसरी बात की बारहवीं पास के, सुनिए प्रेम जी, 17, 18 साल, 19 साल, मान लीजिए 20 साल भी, तो 22, 23 साल में तो नौकरी आदमी ढूंढता ही है। सरकार जिस ढंग से अभी रियायतें दे रही है, देखिए मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो इस ढंग से आप रियायतें देंगे उनके लिए, एक दसवीं पास और बारहवीं पास, देखिए सभी का सम्मान है, लेकिन इतनी बड़ी डिग्री नहीं है भारत में कि उनके कारण जो है आप यहां आरक्षण कर दो, वहां आरक्षण कर दो, वहां दे दो विरोध देख करके। मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि अगर विरोध होना था तो उत्तराखंड से इतने ज्यादा संख्या में फौजी में जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं विरोध है? बिहार से ज्यादा हिमाचल प्रदेश से जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं विरोध हो रहा है? तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं उसके सारे प्रोफेशनल चीजें सामने आ गई हैं। और दुनिया में जिन 15 देशों में इस प्रकार की योजना है, भारत की योजना द बेस्ट योजना है। मैंने खुद इसको ध्यान से पढ़ा है, मैं इसके एक एक फैक्ट पर बात कर सकता हूं क्या है। एक अंतिम बात मैं कह रहा हूं, देखिए इसका जो सबसे बड़ा परिणाम आने वाला है कि एक नेशनल कैरेक्टर होता है, किसी देश का एक राष्ट्रीय चरित्र है जिसमें सकारात्मक अनुशासन और दृष्टि से, एक राष्ट्रीय दृष्टि से, एक वैश्विक दृष्टि से उस देश की बड़ी आबादी अगर सोचती है तो वो ऊर्जा उस देश के व्यापक काम आता है। अवधेशी, मैं प्रेम जी से इसका जवाब लूं, लेकिन एक मैं चाहूंगी आप जो बोल रहे हैं इसमें एक चीज और बताइएगा। ऐसे समय में अवधेशी, जब हम लगातार देखते हैं हर प्रदेश में कई ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिसका इंतजार, जिसकी तैयारी युवा कर रहे होते हैं और परीक्षा के समय या परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाते हैं और उनकी वो पूरी मेहनत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसे कई युवा हैं जिनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, यही वजह है कि वो ओवर एज हो जाते हैं और उनकी का इंतजार सिर्फ इंतजार रह जाता है। ऐसे समय में आपको लगता है जब वो इंतजार खत्म नहीं हुआ, जब ये जिस तरह से भरोसा दिया जा रहा है वो पूरा होगा? देखिए ऐसा है कि ये तो बात सही है कि जिस ढंग से इस देश में एक माफिया वर्ग है कोचिंग वाले, देखिए अभी इस आंदोलन में कोचिंग वाले क्यों नहीं हो पाता, नहीं हो पा रहा है इसलिए कि व्यापक दृष्टिकोण से राज्य सरकारें सर्वाधिक गंभीर प्रश्न मारकर कि युवाओं का भविष्य है इसको लेकर उस ढंग से काम नहीं होता है। और जहां हर साख में उल्लू बैठा है, ऐसे लोग जब पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे हैं जो क्वेश्चन बेच के पैसे लेकर के कोशिश करते हैं, इंटरव्यू में पैसे ले रहे हैं, तो ये भारत के भ्रष्टाचार का एक व्यापक प्रश्न है। तो नरेंद्र मोदी ने काम तो किया, कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके हैं। आपने पहले भी हमसे एक सवाल किया लेकिन आधे लाइन में आपने काट दिया था कि अभी जो हो रहा है उसके लिए क्या किया जा सकता है, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न है कि देखिए तात्कालिक दृष्टि से तो कार्रवाई होगी, उस पर मैं बोलूंगा, लेकिन चूंकि लगातार इस ढंग से हो रहा है, कोई योजना आती है अरे ये तो देश को खत्म कर देगा, तोड़ो मारो काटो और आग लगा दो। तो अब ये है कि सेंटर गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियस होकर के कि ये प्रवृत्ति अगर बढ़ रही है तो क्या रास्ता, इसके कारण क्या है करके, और एक 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 प्लान बना के राज्यों के साथ बैठक हो, सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक हो, ताकि इसको कैसे रुका जाए सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। ये ऐसे नहीं है कि छोटा सा एक हुआ इसमें आपने कार्रवाई, यानी कि मुझे लगता है सरकार का भी यहाँ पर अभी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपको जैसे देवनाथ जी ने भी बताया कि इसका प्रभाव किस तरह से सेना पर होगा, कितनी सकारात्मक चीजें हैं जब इतना कुछ है, तो आपको क्या लगता है विपक्ष के मुख्य वजह क्या हो सकती है इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर? क्या ये स्कीम केंद्र सरकार के इस कार्यकाल में आई? क्या ये रिफॉर्मेशन पिछली सरकारों में नहीं हुआ इसीलिए विरोध करना है, आपको ऐसा लगता है? देखिए पहली बात तो ये है नैना जी, इस देश का विपक्ष इतना बड़ा नहीं है कि आंदोलन खड़ा कर दे। आंदोलन किसान करता है, आंदोलन नौजवान करते हैं, ये तो 2-4 दिन बाद आते हैं धरना देने के। तो विपक्ष को इल्जाम लगाना तो वो सत्ता पक्ष का रक्षा कवच में सर। दूसरी बात ये है, मैं ये बोलना चाहता हूँ सबके सामने कि ये जो अग्निवीर है, जो स्पष्टीकरण दिया गया है वो ये है कि 4 साल के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे सारे अग्निवीर। उसके बाद अब तो कैसे सारे चले जाएंगे, 20% तो वही रिक्रूटमेंट है महाराज, सारे तो जाना ही नहीं है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हैं।
आप अभी टोकेंगे, दूसरे लोग भी अधिकारी भी मौजूद हैं, सब अपने 25% को तो होना ही है उसमें 25%। ऐसे कैसे बात करेंगे? उसके बाद जितनी जरूरत होगी अप टू 25% को नए सिरे से वो सेलेक्ट करेंगे, यानी सेलेक्टेड परसेंट को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम अग्निवीर जो सेलेक्ट नहीं होंगे दे आर रिजेक्टेड, ये अपमान लेकर के उनको जीना पड़ेगा कि वो सेना से रिजेक्ट होकर के बाहर आए हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी यही यही तो एक भ्रम भी है, आपको नहीं लगता कि इस बात को लेकर एक क्लियर करने के लिए जो विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका, विपक्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है लोकतंत्र में, आपको लगता है विपक्ष की भूमिका उस बात को, उस आपत्ति को, अपने सवालों को एक सही रूप में अगर आप कुछ भी सही रूप में रुकेगा नहीं, कुछ भी स्पष्टीकरण देंगे, कहीं पे दिया है कहीं पे निशाना है, रुकना ही नहीं है। फिर ऐसे सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम अपने पहले सिलेक्शन को भी क्वेश्चन में खड़ा कर रहे हैं और दूसरे सिलेक्शन में तो रिजेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे पास लास्ट आखिरी एक मिनट है, संजय टाइगर जी। संजय टाइगर जी कहा जा रहा है आने वाले, वहां आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है आने वाले वक्त में चुनाव है उसको लेकर हड़बड़ी में ये एक्शन लिया गया, ये भी आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि जिन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए था शायद वो बातें नहीं रखी गई। नहीं, पहली बार विरोध हो रहा है क्या? सीए आया था कब? तब चुनाव था क्या? 370 हटा था तब चुनाव था क्या? किसान आंदोलन हो रहा था तब चुनाव था क्या? ये समझने को तैयार नहीं है, ये समझ सब रहे हैं, समझ के ना समझ बन रहे, इनको भगवान भी नहीं समझा सकता। अब देखिए 20-22 वर्ष तो लग जाता है ग्रेजुएशन करने में, लेकिन लेकिन संजय जी ये भी आरोप लगातार लग जाता है ना कि जो विरोध कर रहा है वो विपक्ष का है, जो विरोध जता रहा है, जो आपत्ति जता रहा है उस पर टैग लगा दिया जाता है, रुपया लेकर भागता है 25%। लेकिन लेकिन आखिर इस विरोध को, इस विरोध को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस विरोध को खत्म करने के लिए कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या आंदोलन को समाप्त करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? अभी भी ये सवाल बरकरार है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया।